तो गाइस सब कैसे हो, मैं हूं रिटेल ऑनलाइन चैनल पर आप लोग का स्वागत। तो आज के इस वीडियो पर धमाल का होने वाले, क्योंकि जियो की तरफ से एक बहुत ही मजेदार अपडेट किया गया कि आप अभी के टाइम पर अगर जियो में सिम एक्टिवेशन एमएनपी करोगे तो आप बायोमेट्रिक के थ्रू तो कर सकते हो, साथ ही साथ आप फेस ऑथेंटिकेशन से भी आप कस्टमर का सिम एक्टिवेशन एमएनपी कर सकते हो। भाई लोग, मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते थे जिनका आधार नंबर देखकर मैं जब ईकेवाईसी करता था बायोमेट्रिक के थ्रू, तो उसका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होता था, मतलब उसका बायोमेट्रिक नहीं आता था अच्छे तरीके से और उसका सिम एक्टिवेशन नहीं होता था। बार बार चार बार हम ट्राई करते थे, फिर से नए उसे करना पड़ता था, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। और डिजिटल पे अगर हम करने जाते थे तो वहाँ पर कस्टमर बहुत सारे सिम नंबर प्रोवाइड करते, कस्टमर हमें आधार कार्ड प्रोवाइड नहीं करते, तो इसकी वजह से डिजिटल भी नहीं कर पाते थे और बायोमेट्रिक के थ्रू एक्टिवेशन भी अब फिंगर मैच नहीं होने की वजह से नहीं होते। तो इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम जो ना वो प्रॉब्लम था। और अभी के टाइम पर तो आधार को लेकर, बायोमेट्रिक आधार को लेकर तो बहुत बड़ी दिक्कत चल रही, तो जिसके वजह से जियो के तरफ से फेस ऑथेंटिकेशन अपडेट लाया गया है, जो कि मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप एक क्या मतलब किस तरह से काम करेंगे वो भी मैं आप लोगों को डिटेल्स पर बता दे। देखो, सबसे पहले आपका जो जियो पॉस प्लस है इसको सबसे पहले लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लो, और अपडेट करने के बाद जब भी आप ई केवाईसी में जाओगे, डी केवाईसी में नहीं, ओपन करने के बाद जब भी ई केवाईसी में जाओगे तो ई केवाईसी में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बायोमेट्रिक के साइट पर फेस ऑथेंटिकेशन भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप कस्टमर का फेस का अच्छे से फोटो लगे, बैकग्राउंड फुल्ली व्हाइट होना चाहिए, अलग कोई बैकग्राउंड दोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नॉर्मल जिस तरह से पहले हम फोटो खींचते थे उस टाइप से लाइव फोटो तो लेना पड़ेगा, उसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन में जाके आप लोगों को फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। जो भी कस्टमर आएगा उनको दो बार आपको खुलना और बुझना बोलना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जिस टाइप से हम सिम एक्टिवेशन एमएनपी करते थे सेम प्रोसेस हम कर पाएंगे। साथ ही साथ जो एजेंट होगा उसका भी बायोमेट्रिक नहीं लगेगा, उसका भी फेस ऑथेंटिकेशन से काम चल जाएगा, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, वहाँ पर मैं इसका एक वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। हालांकि वो जो वीडियो है वो भी यहाँ पर आप लोग छोटे छोटे करके देख सकते हो। देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आप जो एजेंट हो आपको भी जैसे हम जब ई केवाईसी करने जाते हैं तो हमारे भी आधार वेरिफिकेशन करना पड़ता है, सेम टू सेम यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा। बट यही प्रोसेस चेंज किया कि बायोमेट्रिक की जगह पर हमें और भी एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि फेस ऑथेंटिकेशन। तो हम फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी हम एक्टिवेशन कर सकते, एमएनपी कर सकते, जिन कस्टमर लोगों को फेस देने में, आधार देने में कोई दिक्कत है, मतलब बायोमेट्रिक देने में कोई दिक्कत है या बायोमेट्रिक नहीं आता है, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है उसका फेस आधार से, अब बहुत आसान तरीके से हम सिम एक्टिवेशन एमएनपी कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से, बहुत बड़ी। और साथ ही साथ जिन लोगों को आप बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं खरीद पाते या बायोमेट्रिक डिवाइस पर कुछ प्रॉब्लम है, उसका भी नहीं भी एक बहुत बड़ी सॉल्यूशन है, क्योंकि मेरे भी जो बायोमेट्रिक डिवाइस है थोड़ा ओटीजी लगाओ उसके बाद कनेक्ट करो वगैरह बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ मेरे को लग जाते हैं। बट इस चीज़ से बिल्कुल अभी मुक्त हो चुका है। अभी आप फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अगर किसी आधार जगह पर भी जाओगे तो वहाँ पर भी आप आराम से फेस ऑथेंटिकेशन माध्यम से सिम एक्टिवेशन एमएनपी कर पाओगे। तो ये अपडेट आपको कैसे लगा कमेंट करके मास्क बढ़ावा कि दो तीन दिन के अंदर मैं आप लोगों को लाइव करके भी दिखाऊंगा। हालांकि एक डेमो वीडियो जो जियो की तरफ से दिया गया उस वीडियो को मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दिया, टेलीग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो। कुछ अदर्स प्रॉब्लम आ रही जस्ट कमेंट कर दो, बाकी जल्द से जल्द लाइव वीडियो भी आ जाएगा कि इस तरह से एक्टिवेशन इवेंट भी करना है। मैं लाइव वीडियो दे देता बट कुछ दिक्कत था जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाया, तो जल्द से जल्द मैं आप लोग को लाइव करके भी दिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अभी के वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कुछ भी प्रॉब्लम आते जस्ट कमेंट। बट उससे पहले जब भी आप ये ऑथेंटिकेशन करोगे, मतलब फेस ऑथेंटिकेशन करोगे, उससे पहले सेटिंग में जाके आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन वो पहले कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आप अपने कस्टमर का फेस ऑथेंटिकेशन करना, बाकी एजेंट के टाइम जो फेस ऑथेंटिकेशन आते उसके बाद आपका फेस ऑथेंटिकेशन दे देना, और बहुत आसान तरीके से काम आपका बन जाएगा। तो जो भी डिटेल्स था, जो भी इंफॉर्मेशन था, सब कुछ आप लोगों को बता दिया। बाकी कुछ भी डिटेल्स अगर मिस हो गया, कुछ गलत हो गया तो माफ कर देना, क्योंकि न्यू अपडेट आया है, मैंने रिसेंटली सिर्फ चेक किया है, यूज़ भी नहीं किया, यूज़ करके ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों को दूंगा। बस कुछ प्रॉब्लम अगर आते हैं जस्ट कमेंट कर दो, जितना हो सके मेरे तरफ से आप लोगों को सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जन्म मातरम, थैंक यू।